चैप्टर नंबर आंकड़ों का संगठन हमारे चल रहा था, जिसमें हमने आंकड़े देखे थे, एवरेज की आंकड़े देखे थे। आंकड़ों का हमने क्या किया था, मूल्यांकन किया था कि हम अगर आंकड़े को संग्रहण कर लेते हैं। सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम आंकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं कि आंकड़े जारी कर दिए कि हाँ इकट्ठा हो गए, बस इतना काम कंप्लीट है। आंकड़ों को पहले इकट्ठा करना पड़ता है, बाद में क्या करना पड़ता है, उनका वर्गीकरण हमने पढ़ा था, गुणात्मक तरीके से करना पड़ता है कि इन सब का हमने वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे चर, कि चर क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो चर की डेफिनेशन क्या है, मैंने फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया था कि चर क्या होते हैं, देखो चर होते हैं हमारे पास कि चर वो चीज़ देखो कि चर से अभिप्राय है कि किसी तथ्य की विशेषता है, किसी तथ्य की विशेषता है कि जिसमें परिवर्तन होते हैं, जिन्हें इकाई द्वारा नापा जाता है, जिसमें परिवर्तन होता है, वह इकाई द्वारा मापते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था कि सर क्या बताए थे मैंने, x, y, z, जो क्या होते हैं कि तथ्य की विशेषता है कि जो जिसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, कि एक चर में दूसरे चर से क्या होता है, परिवर्तन रहता है। जैसे मान लो कि हमने ले लिया एक ईयर ले लिया, या फिर हमने ईयर ले लिया और यहाँ पर ले लिया जनसंख्या, तो जनसंख्या का हमने क्या देखा था, कि भाई जनसंख्या 2011 में कितनी थी, मान लो 125 करोड़ थी। जैसे मान लो कि अब 2021 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं 135,000 में मान लो जनसंख्या करेगी करोड़, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए, चर हो जाएंगे एक्स और ये वाई, ठीक है। हमारे क्या लिए क्या हो जाएंगे, ये चर हो जाएंगे। जैसे चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड हो जाएंगे। तो इनके परिवर्तनों को क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं, कि जिनके दिन में क्या होता है, परिवर्तन होता है इकाई द्वारा, हम क्या करते हैं, वह इकाई द्वारा क्या होते हैं, मापे जाते हैं, कोई ना कोई आधार के द्वारा क्या करते हैं, मापे जाते हैं। अब चर क्या होते हैं, चर आते हैं दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है सतत चर, ठीक है। सतत चर के अंदर क्या दे रखा है कि सतत चर वे चर होते हैं जो मापदंडों की इकाई में होते हैं, वे चर जो माप दंडों की इकाई में होते हैं, ठीक है। और क्या कह रहे, और क्या है इसमें कि वर्गों में व्यक्त होते हैं, ये तो हो गया कि वर्गों में क्या होते हैं, ये विभक्त वर्गों में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं, और इन्हें विनात्मक रूप से लिखा जाता है, इन्हें विनात्मक रूप से लिखा जाता है, ठीक है। देखो सतत चर वो चर होते हैं कि वे चर जिनके मापदंडों की क्या होती है, इकाई जो चर के अंदर होती है वो सेम होगी, इनमें वर्गों में विभक्त होते हैं। वर्गों का मतलब हो गया कि जैसे मान लो 0 से 10 से क्या हो जाएंगे 20, 20 से 30, ये क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, ठीक है। ये वर्गों में विभक्त होते हैं, इन्हें भिन्नात्मक रूप से लिखा जाता है, भिन्नात्मक रूप से लिख लो या फिर इसे किससे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में इसमें 1, 2, 3 जो भी नंबर होते हैं, संख्यात्मक नंबर वो भी आ सकते हैं, और भिन्नात्मक जैसे 5.6, 7.9 ये सारे के रूप में क्या हो सकते हैं, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास, दूसरा चर का नाम है हमारे पास विविक्त चर। इस चर के अंदर और इस चर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इस चर के अंदर क्या होता है कि भिन्नात्मक, इसमें हम कोई भी मान को क्या कर सकते हैं,
ले सकते हैं, लेकिन विविक्त चर के अंदर हमारे क्या होता है कि हम कोई भी इकाई को नहीं ले सकते। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे नहीं ले सकते, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे 20 से निश्चित एक निश्चित मान 20 से 25 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 20 के बाद 21 22 23 24 आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हमने ऐसे कर दिया कि 25 से 26। अब हम अगर 25 से 26 का मुकाबला करें तो 25 से 26 जैसे मान लो कि 25 से 26 के बीच में क्या आता है 25.5 एक आधार लेते हैं, तो क्या आता है इसका 25.5। तो इस मान को हम इसके अंदर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले इसके अंदर नहीं ले सकते? और अगर ये 20 से 25 हो तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? निश्चित मान होना चाहिए, जैसे मान लो 21 होना चाहिए या फिर 22 होना चाहिए, 23 होना चाहिए। तो एक क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पॉइंटों में 25.5 हो गए या 3.7 हो गए, जो भी है वो हमें क्या कर सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते। हाँ, ऐसी कोई ज़रूरी कंपलसरी बात नहीं है कि इसके अंदर हमारे बिन नहीं है, तो इसके अंदर भी क्या आ सकते हैं? बिन आ सकते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर दे दिया कि 1/8 से 1/16। अब इनके बीच का क्या कर सकते हैं? नंबर भी क्या कर सकते हैं? हमारे पास आ सकते हैं 1/4 से लेकर 1/8 तक, लेकिन ऋणात्मक भी आ सकते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि जैसे पॉइंटों में नंबर या फिर कोई एफ्रेक्स नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं कि मतलब नहीं होते, जिनको निकाला नहीं जा सकता, उनका मान नहीं आता। जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल के रूप में दे दिया कि 20 से 25 तक आ जाए, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, एक निश्चित संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 होती है। लेकिन 25 से 26 के बीच में क्या होती है? संख्या नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है? संख्या तो होती है लेकिन पॉइंटों के अंदर होती है, या तो 25.5 हो गए या फिर 25.10 से स्टार्ट करेंगे, 25.26 तक हो जाएंगे। तो जिनके अंदर क्या होते हैं कि निश्चित मान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विविक्त चर कहते हैं। और जिनके अंदर क्या होते हैं कि सारे मापदंडों को ले सकते हैं, सारे कोई भी नंबर को ले सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम सतत चर कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम करते हैं बारंबारता। बारंबारता विवरण, आपने क्लास नंबर 10th में पढ़े होंगे जो मीन मोड मीडियन वाले क्वेश्चन थे, माध्यिक बहुलक, उसके अंदर क्या लगती थी? बारंबारता लगती थी ना, उसी को हम क्या करें, वही क्या है इसके अंदर टॉपिक है। बारंबारता की क्या डिफिनेशन हो सकती है कि यह क्या होते हैं? परिष्कृत अपरिष्कृत आंकड़ों को एक अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर के मात्रात्मक चर में क्या कर देते हैं? मात्रात्मक चर में क्या कर देते हैं? वर्गीकरण मात्रात्मक चर में वर्गीकरण या वर्गीकृत करने का एक सामान्य करने का एक सामान्य तरीका है, ठीक है। और यह दर्शाता है कि किसी चर के विभिन्न मान वर्गों में क्या होते हैं? दिए होते हैं कि किसी चर के किस विभिन्न मान अपने वर्गों के बारंबारता अनुसार विभिन्न वर्गों में क्या होते हैं? डिवाइड किए होते हैं विभिन्न। देखो इसको समझो, ठीक है। देखो बारंबारता वितरण क्या होते हैं? ये एक अपरिष्कृत आंकड़े है। अपरिष्कृत आंकड़े का क्या कहते हैं? जो व्यवस्थित नहीं होते। व्यवस्थित बनेगा कि हमने क्या कर लिए कि लोगों के जैसे मान लो 10 परिवार के ले लिए, तो 10 परिवार के जैसे मान लो जैसे कि आंकड़े लगा लिए हमने, जैसे मान लो कि 5, 6, जैसे मान लो एक छात्रों के नंबर दे लो कि गणित में कितने एक किसी के 5 आए, किसी के 6 आए, 7 आए, किसी के 9 आए, किसी के 15 आए, किसी के 9 वापस आ गए, या फिर किसी के 5 आ गए, 9 आ गए, किसी के 7 आ गए, ठीक है। जैसे मान लो कि ये नंबर आ गए किसी के मैथ का है, ठीक है, छात्रों के, तो क्या कर जाएंगे? ये क्या एक अपरिष्कृत आंकड़े क्यों है? क्योंकि ये क्या बिखरे हुए। अब कोई ऐसे क्लास के अंदर बोल दे कि
बच्चों के क्या आगे 9 से कम कितने बच्चों के नंबर आए, तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्या करना पड़ेगा, इनमें देखना पड़ेगा, हमें काउंट करेंगे 1, 2, 3, फिर क्या करेंगे, इसमें मैंने बताया था एक प्रतिशत का आंकड़े क्या होता है, जिसमें क्या करें, एक तो समय ज़्यादा लगता है, एक क्या लगता है, इनमें शर्म ज़्यादा लगता है, एक तो हम क्या करेंगे इन आंकड़ों को क्या बड़े आंकड़े के रूप में, ये बड़े रूप में होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर हमें पहले एक को देखना पड़ेगा, हाँ ये आंकड़े, फिर इनको क्या करना पड़ेगा, हमें अलग उसमें क्या लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है और श्रम भी ज़्यादा लगता है। अब इसने क्या करके बारंबारता विवरण के अंदर क्या होता है कि जो अप्रशिक्षित आंकड़े होते हैं ना, इसको मात्रात्मक चर में क्या करते थे, वर्गीकृत करते हैं। मात्रात्मक चर का मतलब हो गया जो चर लिखा देते हैं ना मैंने, सतत और विविक चर, इन दोनों में से एक जो कैटेगरी थी उसके अंदर क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कर लेते हैं, डिवाइड करके एक सामान्य तरीका है, और ये कहते हैं विभिन्न मांग विभिन्न वर्गों में थे। विभिन्न मान विभिन्न वर्गों का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कि मान का ले लिया हमने 0 से लेकर 10, ठीक है। अब हमने क्या कर लिए कि हमने बच्चों को क्या कर लिया, एक क्लास के अंदर से डिवाइड कर लिया कि 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चे होते हैं, ठीक है, 10 से लेकर 20 तक कितने बच्चे होते हैं, और 20 से लेकर 30 कितने बच्चे होते हैं। तो बारंबारता के अंदर क्या कर लेते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न क्या क्या भिन्न भिन्न वर्गों में। अब जैसे मान लो हम ऐसे डालेंगे कि 0 से 10 नंबर के जैसे मान लो 3 बच्चों के आए, या 10 से 20 4 बच्चों के आए, या 20 से 30 5 बच्चों के आए, तो इन मानों को हमने क्या कर लिया, विभिन्न विभिन्न वर्गों में डिवाइड कर लिया, विभिन्न विभिन्न मान को विभिन्न विभिन्न वर्गों में कर लिया कि भाई 10 से लेकर एक साथ ले लिया कि 10 से 0 से लेकर 10 नंबर के बीच में 3 बच्चों के, या 10 से 20 4 बच्चों के बीच में, और 20 से 30 कितने बच्चों के बीच में 5 बच्चों के, इसे क्या कहते हैं हम बारंबारता। इससे क्या होता है कि आंकड़े क्या हो जाते हैं, सुलझ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको क्लास में पूछ लें कोई, जैसे मान लो क्लास के अंदर है तो पूछ लें कि भाई 3, 10 से कम कितने बच्चों के हैं, तो सीधा से बात है कि 10 के आएंगे, या फिर 10 से 20 कितने आएंगे 4 बच्चों के, तो इनको क्या कर लेता है, आराम से क्या कर लेना, इनकी निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बिखरे हुए आंकड़े होते हैं उनको क्या करने, तो विभिन्न अनुरूप जो भिन्न वर्ग होते हैं ना, जैसे मान लो सतत वर्गीकरण करके, और उनको एक भिन्न भिन्न मान को वर्गों को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। यही क्या होता है हमारे पास, बारंबारता विवरण होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि हमारे एक चीज़ आया है वर्ग। देखो सारों चीज़ों में क्या है कि वर्गीकरण, वर्ग नाम आया है जो हमारे पीछे हैं, जिसको विभिन्न विभिन्न वर्गों में वर्ग क्या होते हैं, मैं क्या होना, पहले वर्ग को क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, वर्ग क्या होते हैं। तो देखो वर्ग क्या होते हैं हमारे पास, निश्चित वर्ग क्या होते हैं हमारे पास, देखो वर्ग की क्या डेफिनेशन है, वर्ग के अंदर दे रखा है कि निश्चित सीमाओं के विस्तार, निश्चित सीमाओं के विस्तार, निश्चित सीमाओं के विस्तार को जिसमें क्या लिखते हैं, मध्य, जिसमें क्या होते हैं मध्य शामिल होते हैं, जिसमें क्या होती है मध्य शामिल होती है, ठीक है। वर्ग का मैंने बताया था निश्चित सीमाओं के विस्तार में, जिसमें क्या होते हैं मध्य क्या की जाती है, शामिल कहती है। फॉर एग्जांपल के अंदर हमने क्या ले लिया 0 से 10, ये क्या हो गया एक वर्ग हो गया। इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास, जिनमें क्या होते हैं 0 से लेकर, मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में बताया था कि 0 से लेकर 10 नंबर के बीच में कितने बच्चे आए, तो इनके अंदर क्या होते हैं कि वर्गों के अंदर क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें क्या की जाती है मध्य को लिखी जाती है, जैसे 5 बच्चे आए, 7 बच्चे आए, या फिर 10 से 20, 20 से 30, इनको क्या कहते हैं हम वर्ग कहते हैं, जो इनको क्या क्लासिफाइड कहते हैं कि क्लास के अंदर क्या करते थे डिवाइड करते थे, जिसे हम वर्ग कहते हैं। अगला क्या होता है कि वर्ग अंतराल क्या होता है, एक चीज़ होती है वर्ग, इनके अंदर डिफरेंस है। तो वर्ग अंतराल क्या होता है हमारे पास, देखो वर्ग अंतराल के अंदर डेफिनेशन क्या दे रखी है कि वर्ग की ऊपरी, वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, वर्ग अंतराल कहता है कि वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के बीच का अंतर। ऊपरी सीमा क्या होती है वर्ग के अंदर, 10 हो गया जैसे मान लो, और निचली सीमा क्या है, 0 है। इन दोनों के डिफरेंस, जैसे मान लो L2 - L1, ठीक है, ऊपरी लंबाई लेंथ और जो निचली लंबाई, ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो उसके बाद में जो हमारे पास क्या आता है, आंसर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास जैसे 0 से 10 ले लेते हैं, मतलब मान लो, तो इसके अंदर L2 हमारे पास L1 ये हो गया, L2 ये हो गया, तो L2 में से L1 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो 10 में से 0 गए तो हमारे आंसर कितने आ गए, 10। तो जो आंसर आते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहा जाता है। ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं हम बारंबारता, बारंबारता वितरण, बारंबारता वितरण, बारंबारता वितरण कैसे तैयार करें। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया कि बारंबारता वितरण कैसे तैयार करें। तो तैयार करने की क्या होते हैं, हमारे पास एक निश्चित टॉपिक होता है, जैसे मान लो फर्स्ट नंबर हमारे पास टॉपिक क्या होता है कि वर्ग अंतराल, अंतराल क्या होना चाहिए, वर्ग अंतराल समान आकार के हो या फिर या क्या हो सकते हैं, असमान आकार आकार। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। देखो डिफाइन करने का क्या होते हैं कि वर्ग अंतराल जो मैंने भी बताया था, क्लासिफाइड डिफरेंस, जो क्लास का डिफरेंस होता है उसका क्या होना चाहिए, समान आकार होना चाहिए और या फिर होना चाहिए असमान। तो लगभग क्वेश्चन के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, किस में होते हैं, समान आकार में होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, कोई से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, पारस बोलते हैं, ये क्या होता है, बहुत बड़ा गैप। जैसे मान लो गैप के अंदर क्या ले लेते हैं हम पारस के अंदर, कि हमने जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में ले लिया कि एक ऑटो ड्राइव की हम क्या है, जैसे मान लो रिक्शा चलाता है कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो रिक्शा चलाता है तो उसकी मान लो कि इनकम कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने रुपये कमा सकता है, 500 रुपये कमा सकता है। अगर हम किसका पूरी मान लो देश की इनकम का क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो जैसे मान लो हमने रिक्शा ले लिया, तो रिक्शे के अंदर कितने व्यक्ति कितना कमा सकते हैं, 500 रुपये कमाता है। और एक हम क्या ले लेते हैं, उद्योग के ले लेते हैं, उद्योग के अंदर व्यक्ति कितना कमा सकता है, पर डे के 1,00,000 रुपये भी कमा सकता है, 1 करोड़ भी कमा सकता है, कितने भी कमा सकता है। तो रिक्शा वाला ज़्यादा से 500, 1,000, 1,500 इतने से कमा सकता है, और उद्योग वाला क्या कमा सकता है, 1,00,000। ये क्या है कि हमारे पास एक असमान आकार है। एक समान आकार का मतलब या तो हमें बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट करना पड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और या अगर हम क्या कर लेते हैं, इसको बड़े स्तर से ले गएंगे तो छोटे स्तर क्या होंगे, इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। तो क्या होता है कि ये क्या एक असमान आकार, सिर्फ 2-3 पॉइंट होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास असमान आकार कहते हैं, या तो जिसे क्या हम बोलते हैं पारस, या तो जैसे मान लो आई का ले लेते हैं। तो इन टाइप के क्या होते हैं क्वेश्चन के अंदर, क्या होते हैं बहुत बड़े डिफरेंस के अंदर, बहुत बड़ा वर्ग होता है इनके अंदर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। लेकिन मुख्यतः क्वेश्चन क्या किस में होते हैं, समान आकार के अंदर ही क्या किए जाते हैं, डिफाइंड किए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है इसके अंदर, सेकेंड नंबर हमारे पास है वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो देखो वर्गों की संख्या का मतलब क्या है, वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम वर्ग कितने होने चाहिए इसके अंदर, कम से कम
परख कितने होने चाहिए हमारे पास, कम से कम 6 होने चाहिए परख, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए इसके अंदर, 15। तो कम से कम कितना डिफाइंड कर सकते हैं वर्गों को, 6 होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग कितने होने चाहिए, 15। जो वर्ग मैंने बता दिए 10 से लेकर 20, तो ये कितने होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए हमारे पास, 6 होने चाहिए एक बार वार्ता के अंदर क्वेश्चन के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं प्रत्येक वर्ग का आकार, प्रत्येक वर्ग का आकार कितना होना चाहिए। तो प्रत्येक आकार का, आकार का मतलब होता है, देखो वर्ग के आकार क्या होते हैं, खुद से डिसाइड होते हैं, इसके अंदर ऐसे नहीं है कि कोई, जैसे मान लो कि थ्योरी लगती है इसके अंदर, कोई भी थ्योरी नहीं लगती वर्ग के आकार की, क्योंकि हमें क्या होता है कि संख्या को देख के हम क्या लगा लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि वर्ग के आकार, जैसे मान लो कि, जैसे मान लो टोटल नंबर हमारे पास कितने 100 दे दिए, जैसे मान लो कक्षा के अंदर छात्र हैं जिसके हम लोग 100 नंबर का एग्जाम हुआ, तो ऐसे तो है नहीं कि सारों के 100 है, किसी के 0 भी आएगा, किसी के 4, 5, 7, 7, मतलब 10, 20 जो भी होते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं, एक अंदाज ले लेते हैं कि भाई हाँ क्लास, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, 0 से लेकर 10 तक ले लिया, तो हमारे पास आकार कितना हो गया इसका, मतलब इसका क्लास अंतराल कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। अब आकार कितना हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है कि 100 तक पहुँचने के लिए हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, और लास्ट हम कहाँ तक बनाएंगे, 100 तक। तो वर्ग आकार क्या होता है, क्वेश्चन को जो क्वेश्चन के अंदर होते हैं उसी की डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या करने पड़ते हैं, सेट करने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर की है, फोर्थ नंबर हमारे पास क्या है, वर्ग, फोर्थ नंबर हमारे पास क्या है, वर्ग सीमाएं, वर्ग सीमाएं कैसे निर्धारित, वर्ग सीमाएं कैसे निर्धारित करनी चाहिए, ठीक है। देखो वर्ग सीमाएं कैसे निर्धारित करनी चाहिए, कि वर्ग सीमाओं के अंदर कम से कम कितने होने चाहिए हमारे पास, 10 होने चाहिए। वर्ग सीमाएं क्या होगी, क्लास डिवाइड, क्लास क्या होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सीमाएं कहाँ तक हो सकती है, 70 तक, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 70, 70 से ज़्यादा कभी भी हम नहीं ले सकते हैं। तो वर्ग सीमाएं कहाँ से कम कितनी होनी चाहिए, ये तो क्या आती है, कम होती है, कम से कम कितनी होती है, 10 होती है, और 70 से ज़्यादा क्या हो सकती है, 70 हो सकती है, ठीक है, 70 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो फोर्थ नंबर क्या, वर्ग सीमाएं कैसे निर्धारित करते हैं, कि ज़्यादा कम से कम हम क्या ले सकते हैं, इसके अंदर 10 ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने ले सकते हैं, 70 ले सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कैसे डिफाइंड करते हैं, जो आवृत्ति होती है संख्याओं का जो दिया होता है, उस आवृत्ति के अनुरूप क्या करते हैं, हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, अब देखो वर्ग सीमाएं क्या होती हैं, दो प्रकार की होती है, वर्ग सीमाएं क्या होती हैं, दो प्रकार की होती है, ठीक है। दो प्रकार के अंदर क्या होती है हमारे पास, देखो दो प्रकार की है हमारे पास। फर्स्ट नंबर हमारे पास है समावेशी, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, समावेशी। देखो समावेशी क्या होती है, देखो समावेशी की डेफिनेशन क्या होता है, कि इस स्थिति में, इस स्थिति में वर्ग, इस स्थिति में वर्ग की, इस स्थिति में वर्ग की निम्न व उच्च, निम्न व उच्च सीमाओं के मूल्य निम्न व उच्च सीमाओं के मूल्य वाले मानों मानों को उस
वर्ग की आवृत्ति उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल किया जाता है, उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम सॉल्व करेंगे। पहले समावेशी होता है फर्स्ट नंबर, और सेकेंड नंबर होते हैं सीमाएं क्या होती हैं। सेकेंड नंबर क्या होती है, हम इसके अंदर अपवर्जी, अपवर्जी, ठीक है। अपवर्जी के अंदर क्या होता है कि इस स्थिति में, इस स्थिति में वर्ग, इस स्थिति में वर्ग की निम्न वह उच्च, निम्न वह उच्च सीमाओं के मूल्य वाली मदों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं एग्जांपल से। इसके अंदर क्या है कि इस स्थिति में वर्ग के निम्न व उच्च सीमाओं के मूल्य वाले मानों को उस वर्ग की आवृत्ति में क्या कर देते हैं, शामिल किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं कि निम्न व उच्च सीमाओं के मूल्य को उस वर्ग में शामिल, उस आवृत्ति में शामिल किया जाता है। लेकिन अब देखो इन दोनों में अंदर डिफरेंस क्या होता है कि समावेशी और अपवर्जी में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लो कि हमने दो ले लिए, 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, एक हमने ले लिया 0 से 10, 0 से 10 और 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40। ये जो होती है, ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है समावेशी वैसी। ठीक है, और ये क्या होती है हमारे पास, अपवर्जी। क्या होती है हमारे पास, अपवर्जी। देखो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे मान लो कि जो बड़ा नंबर है, बड़ा इसके अंदर क्या है उच्च स्तर में 10 है, तो हम क्या कर देते हैं 10 इसके अंदर नहीं लेते। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि 10 इसके अंदर नहीं आता। एक इसके अंदर आता है, नेक्स्ट के अंदर आता है। जैसे मान लो इसके अंदर बड़ा कौन सा है, 20, ये इसके अंदर नहीं आता, ये क्या आता है इसके अंदर। ये क्या है कि निम्न व उच्च सीमाओं के मूल्य वाले मानों को उसी वर्ग की आवृत्ति में शामिल किया जाता है। अब अपवर्जी में क्या होता है कि ये जैसे मानो दो चीज़ हमें दे रखी है, तो इसके अंदर क्या होता है, 0 से 10 का मतलब हो गया कि सॉरी, ये होती है समावेशी होती है हमारे पास ये 21 31, और जो अपवर्जी होती है वो क्या होती है हमारे पास 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, ये होती है समावेशी होती है हमारे पास 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 20। तो देखो इसके अंदर जो मैंने क्या बताया कि इसके अंदर क्या होता है कि 10 को हम इसके अंदर कभी भी शामिल नहीं करते, क्योंकि जो बड़ा होता है वो क्या होता है अगले वाले में क्या होता है। जैसे मानो 0 से 10 वाली कैटेगरी है, तो अगर किसी बच्चे के मानो 10 नंबर आते हैं तो उसको हम किस कैटेगरी में करते हैं शामिल, इस वाले करते हैं। अगर किसी बच्चे के 20 नंबर आते हैं तो उसकी इस कैटेगरी में नहीं करते, इसको क्या करते हैं उच्च स्तरीय वाले कैटेगरी में नहीं करते। कौन सी कैटेगरी में करते हैं, निम्न वाले कैटेगरी में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। लेकिन समावेशी में क्या होते हैं कि 0 से लेकर 10 तक होते हैं उनको क्या करते हैं, मदों को क्या करते हैं उसी वर्ग में क्या करते हैं, उस वर्ग की आवृत्ति में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इसके अंदर कहते हैं उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल नहीं करते। कैसे, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे 0 से 10 है तो ये 10 तक आ सकता है, ये कहा है 11 से 20 है तो यहाँ से 11 से लेकर 20, 20 के अंदर क्या होता है शामिल हो सकता है। यहाँ पे क्या है 30 है तो इसके अंदर समावेशी के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि लास्ट जो नंबर दिया होता है वो इसके अंदर क्या कर सकता है, आ सकता है। लेकिन अपवर्जी के अंदर क्या होता है, जो लास्ट का नंबर होता है वो कभी भी इसके अंदर नहीं आता, जिसको हम क्या लेने पड़ते हैं, नेक्स्ट वाले नंबर के अंदर लेते हैं।